हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने नियम देखे, फार्मूला देखे, ठीक, और हमने कुछ सवाल को भी सॉल्व किया। आज हम उसी के आगे लास्ट सेशन लेके चलते हैं साधारण ब्याज का। तो देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, SSC 2009 का आया हुआ परीक्षा है, प्रश्न है कि कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में क्या हो जाती है 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि जो 8 वर्ष में हो रहा है, समय दिया गया है 8 वर्ष में 2900 हो रहा है, ब्याज हमारा इंक्लूड है इसमें, और कह रहा है कि जो 10 वर्ष में ये कितना हो जाता है 3000 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि इसका दर कितना है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम का डिफरेंस, देखिए दोस्तों, पहला जो टाइम वन है, T1 हमारा है, ये कितना दिया है 8 वर्ष दिया है, और जो T2 दूसरा दिया है ये कितना है 10 वर्ष है। अब यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पहले वर्ष में, यानी कि इन दो वर्षों में, आठ यानी कि टाइम वन हमारा जो पहला टाइम है ये 8 वर्ष दिया है, दूसरा टाइम कितना दिया है 10 वर्ष भी दिया है, और पहले वर्ष में यानी कि 8 वर्ष, 8वें वर्ष के अंत में ब्याज को इंक्लूड करके हमारा टोटल अमाउंट कितना था 2900 था, लेकिन 10वें वर्ष के अंत में देख रहे हैं ब्याज को इंक्लूड करने पर हमारा अमाउंट कितना होता है 3000 होता है। अर्थात हम देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है, 8 वर्ष और 10 वर्ष, यानी 2 वर्ष का अगर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो इनके ब्याज का जो डिफरेंस है ये कितना बढ़ा, 100 रुपये बढ़ गया। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 वर्ष के ब्याज में ये 100 रुपये का क्या होता है, डिफरेंस होता है, 100 रुपये बढ़ता है। तो 8 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8वें वर्ष से हमें दिया गया है, तो 8 वर्ष का अगर हम ब्याज देखेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 8 वर्ष का, 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है, तो 2 × 4 = 8, यानी कि 8 वर्ष में 4 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 400 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो 8 वर्ष में यानी कि 2 वर्ष में 1, यानी कि 1 वर्ष में 50 रुपया बढ़ रहा है, तो 8 वर्ष में 400 रुपया बढ़ेगा। अब ये 400 रुपया तो ब्याज है 8 वर्ष का, 8 वर्ष का जो 2900 रुपया है इसका ब्याज हमें पता चल गया कितना लग रहा है, 4 वर्ष लग रहा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मूलधन कितना है, और मूलधन अगर हम निकालेंगे तो 2900 रुपये में से हम 400 को माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2500 रुपये। यहाँ से ये क्या आ गया, हमें मूलधन आ गया, यहाँ से मूलधन पता चल गया, यहाँ से हमें साधारण ब्याज दिया गया है, और टाइमिंग हमसे पूछा जा रहा है 10 वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा। जब यहाँ 10 वर्ष के अंत में पूछा जाएगा तो हमें दर निकालना है, आप लिखेंगे दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब 10, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, साधारण ब्याज कितना आ गया 4 वर्ष आ गया गुणे 100 बटे मूलधन कितना आ गया 2500 रुपया, और समय, समय देखिए हम कितने वर्ष का निकाले हैं, 8 वर्ष का निकाले हैं, तो 8 रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 का कटाएंगे 2500 के 100, 4 से कटा देंगे 4 × 2 = 8, और 2 से कटाएंगे कितना आ गया 2, यानी कि हमारा जो परसेंटेज आ गया, दर हमारा कितना आ गया 2% आ गया। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में कह क्या रहा है और दिया क्या गया है। कह रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, यहाँ पर जो दर दिया गया है यह निश्चित नहीं दिया गया है, तो हमें दर की वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न में एक चीज़ शामिल किया है पहले ही कि 8 वर्ष में जो धन होता है ये 2900 होता है, तथा 10 वर्ष में धन कितना हो जाता है 3000 हो जाता है। अब यहाँ से आप टाइम में देखिए कि अगर हम पहला टाइम ले रहे हैं 8 वर्ष और दूसरा टाइम ले रहे हैं कितना 10 वर्ष, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे ईयर का, तो 2 वर्ष का हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 सत्र का क्या होता है, डिफरेंस हो रहा है, यानी 2 साल के डिफरेंस में अगर हम अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2900 दिया गया है, यहाँ पर कितना है 3000 है। अब 8 वर्ष और 10 वर्ष का डिफरेंस देखेंगे 2 वर्ष है, और रुपयों का डिफरेंस देखेंगे 100 रुपया है, तो 2 वर्ष में 100 रुपया ब्याज इंक्लूड होता है, तो 8 वर्ष में कितना होगा ये तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, कितना आएगा 400 रुपया ब्याज होगा। अब हमें क्या करना है कि 8 वर्ष में जो ब्याज लगा है ये किस दर से लगा है, तो आप लगाएंगे दर का फार्मूला, और दर बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय।
साधारण ब्याज कितना आ गया यहाँ से 400 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन कितना आ गया 2500। यहाँ से हमने निकाला क्योंकि मूलधन क्या है कि 2900 रुपया है, 8 वर्ष में ब्याज सहित है। तो ब्याज जब 8 वर्ष का 400 रुपया आ गया तो हम ब्याज सहित वाले मूल्य में से हम 400 ब्याज को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने मूलधन निकाल लिया और समय कितना लग रहा है, हम 8 वर्ष का निकाल रहे हैं, 8 रखेंगे, आसानी से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 2500 के 100। अब क्या करेंगे, 4 के 2 8 2 से कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो सवाल को समझिए, कह रहा है कितने मूलधन, यानी कि यहाँ पर हमें सीधा पूछा गया है कि मूलधन क्या है। साधारण ब्याज पर कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपया, तो साधारण ब्याज हमारा 25 दिया गया है, रेट दिया गया है 5% और समय दिया गया है 3 महीने। ठीक, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वार्षिक दर, कह रहा है मित्रों कि वार्षिक दर है जो ब्याज हो रहा है, वार्षिक दर लग रहा है, अर्थात एक वर्ष में एक साथ लग रहा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से हम देखेंगे, रेट हमारा देखेंगे कितना दिया गया, 5% और समय दिया गया है 3 मंथ दिया गया है, 3 महीना, कह रहा है 3 महीने पे ब्याज लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वार्षिक निकालना है तो इसलिए क्या करेंगे, 3 और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने बटे, अब इसको हम अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 महीने से अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में, महीने महीने कट गया, 3 कम 3, 3 चौक 12, 1/4 वर्ष यहाँ से हमारा समय निकल गया। लेकिन एक चीज प्रश्न में और दिया गया है कि कह रहे हैं साधारण ब्याज हमारा कितना है, 25 रुपया, तो यहां से हम लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया, 25 रुपया आ गया। जब साधारण ब्याज हमारा 25 रुपया हो जाएगा तो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि मूलधन कितना है, तो हम सीधा मूलधन का फार्मूला लगाएंगे कि मूलधन बराबर होता क्या है, तो मूलधन बराबर फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर के गुणे समय। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो रखना क्या है, साधारण ब्याज कितना दिया गया, 25 रुपया, तो 25 गुणे 100 बटे, अब यहाँ से हम रेट देखेंगे तो दर कितना है, 5% है, 5 रखेंगे, गुणे समय कितना है, 1/4, 1 नीचे 4 लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, अब क्या करेंगे, 5×5=25, अब 25 हो गया, तो 5 का 100 में गुणा करेंगे 500, 500 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2000, 2000 रुपये इसका क्या गया, मूलधन। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो डी फॉर डेनमार्क हमारा आंसर दिया गया है, ये रेलवे परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से समझते हैं कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। कह रहे हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर हमको रेट दिया गया है 5% और समय दिया गया है कितना, 3 महीने दिया गया है, और कहना है कि मूलधन पर साधारण ब्याज हमारा 25 रुपया होगा। मूलधन पूछा गया है तो हम मूलधन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमसे वार्षिक दर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हमको ब्याज जो है समय महीने में दिया गया है, तो जो समय हमको महीने में दिया गया है इसको हम चेंज करेंगे, तो महीने को हम वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 वर्ष = 12 महीना होता है, तो अगर हम महीने में 12 से डिवाइड करेंगे तो महीना महीना कट गया, 3 कब 3, 3 चौक 12, 1/4 वर्ष आ गया। यहाँ से 1/4 वर्ष समय हो गया, साधारण ब्याज दर दिया गया है, निकालना मूलधन है, तो हम मूलधन का फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, और साधारण ब्याज कितना है, 25 गुणे 100 बटे 5 गुणे समय हमारा 1/4 होगा, तो 1 नीचे 4 न लिख के ऊपर चला जाएगा, तो 5×5=25 और 5 का 100 में गुणा 500, 500 का 4 में गुणा करेंगे 2000, और हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो डी फॉर डेनमार्क हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि रेलवे की परीक्षा में सन 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, करें कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यहाँ पर ना तो हमको राशि दिया गया है, लेकिन कह रहा कि जो हमारा साधारण ब्याज होगा, जितना हमारा मूलधन होगा उसका 1/4 होगा। अगर मूलधन 100 रुपया हो रहा है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपया होगा। तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा यन होगा, यानी कि टाइम
और हमारा जो रेट है ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, बराबर है। कह रहे हैं ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, हमें यहाँ पर रेट निकालना है। तो आपको करना क्या है कि कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो यहाँ पर जो हमको राशि नहीं दिया गया है, मूलधन नहीं दिया गया है, वही हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना मूलधन बराबर ₹1, माना मूलधन बराबर ₹1। अगर हमारा मूलधन x हो जाएगा तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन का x का 1/4, तो कितना होगा x गुणे 1/4, यहाँ से साधारण ब्याज हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि दर और टाइम, समय दोनों क्या दिया है बराबर, और दोनों को हम मान लेते हैं कि दोनों जो हमारा है ये कितना है y है, y मान लेते हैं, क्योंकि टाइम और दर, या फिर हम मान लेते हैं कि दोनों जो है हमारा इस्तेमाल आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज x कम x बटा 4 दिया गया है कि मूलधन का 1/4 था। तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, और साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही फार्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, x कम x बटे 4 बराबर मूलधन देखिए कितना है, ₹1 है, गुणे दर कितना है। अब हम दर देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर रेट और टाइम दोनों क्या है R%, दर भी R रखेंगे और समय भी कितना दिया गया है, कह रहा है दोनों का जो वैल्यू है टाइम और R, ये दोनों समय और दर दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ भी हम R रखेंगे बटे 100। अब एक चीज ध्यान देखिए कि हर का कट रहा है हर से, तो हम कटा देंगे, 4 × 1 = 4 = 25, अंश से अंश कट रहा है कटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4, यहाँ पर हमारा क्या बचा ऊपर, 1/1 बराबर R का R में गुणा होगा R² / 25। अब तिरक गुणा करेंगे, 25 + 25 बराबर R² / 1 = R², हम 25 को लिख सकते हैं 5² = R² कट गया, तो R बराबर हमारा कितना आ गया 5%। और हम देखेंगे मिलाएंगे तो बी फॉर बॉम्बे हमारा ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक, जो कि रेलवे परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको एक बार हम फिर से समझते हैं कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है, ठीक। यहाँ पर हमें मूलधन नहीं पता है, हमने मान लिया कि माना जो मूलधन है वह ₹1 हो गया, तो साधारण ब्याज कितना होगा, x का 1/4, x गुणे 1/4 बराबर कितना होगा, ₹1/4। लेकिन आगे प्रश्न कह रहा है तथा जो वर्षों की संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है, अर्थात यहाँ से टाइम और जो रेट है ये दोनों क्या है बराबर है, हमने इसको माना स्मॉल r। तो साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है, ₹1/4 है, ₹1/4 बराबर x मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। r रखा गया है क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यानी हर से हर कट रहा है, तो हमने कटा दिया 25, x से x कट गया, r का r में गुणा R² और यहाँ पर क्या है 25, 1/1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 का 1 में गुणा होगा 25, R² का 1 में गुणा होगा R², तो 25 को लिखेंगे 5² बराबर R² कट गया, रेट बराबर कितना गया 5%। और हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया एक बेहतरीन प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बैंक PO परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि ₹2500 पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1875 है। देखिए कह रहे हैं मूलधन हमको ₹2500 दिया गया है, समय दिया है 6 वर्ष के लिए, और साधारण ब्याज क्या है ₹1875 है। इसी दर पर, यानी जो इसका दर अभी हम निकालेंगे, इसी दर पर इतने ही समय के लिए, मतलब 6 वर्ष के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपार्जित होगा, उपार्जित मतलब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न में दो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये हो गया और दूसरा प्रश्न ये हो गया। तो चलिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, क्या दिया गया है, ₹2500 पर, यानी कि यहाँ पर हमको जो मूलधन दिया गया है
ये कितना है 2500 रुपया है, और इसका जो समय दिया गया है ये कह रहा है कितने वर्ष के लिए, समय बराबर 6 वर्ष के लिए। यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज 1875 हो रहा है, तो इसको जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है ये कितना है 1875। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूलधन दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज दिया है, दर नहीं दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो दर बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन के गुणते समय। अब यहाँ से हम देखेंगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हम देख रहे हैं 1875 दिया गया है, 1875 के गुणे 100 बटे मूलधन देखेंगे तो मूलधन कितना दिया गया है 2500 गुणे समय की बात करेंगे, समय हमारा कितना है 6 वर्ष है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से 20 नीचे से एक दो जीरो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हम दो इसको हम 3 से कटाएंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 2 = 3, 5 = 15। अब 25 से कटाएंगे, 25 का 25 में गुणा होगा, 625 आएगा। तो हमारा दर कितना आ गया, 25/2%। यहाँ तो हमने पहले सवाल को सॉल्व किया कि हमारा दर आ गया, लेकिन अब इसमें का मेन प्रश्न है, कह रहा है कि इसी दर पर, दर मतलब क्या हो, हमारा सेम दर हो, रेट हमारा वही हो 25/2%। कह रहा है इतने ही दर पर इतने ही समय के लिए, समय भी वही सेम है, कह रहे हैं कि समय भी हमारा क्या हो, सेम सेम समय होने का मतलब समय भी कितना होना चाहिए, 6 वर्ष होना चाहिए। अब कह रहा है कि मूलधन यहाँ पर कह रहा है कि समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि मूलधन यहाँ पर बदल गया कि मूलधन अब कितना है 6875। तो देखिए दूसरे प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दर कह रहा है कि वही है 25/2% है, समय भी कह रहा है कि वही समय है, समय बराबर कितना है 6 वर्ष, और मूलधन भी कह रहा है कि वही है हमारा कितना है 6875 रुपया है। और निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगाएंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, यहाँ से हम लगाएंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी मूलधन कितना दिया है 6875 रुपये दिया गया है। ठीक, यहाँ पर यह क्या है हमारा मूलधन है, मूलधन 6875, मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया गया है 25/2 गुणे समय, समय कितना है 6 वर्ष, बटे 100, यह हो गया। अब 25 से कटा देंगे, 25 × 100 क्या हो गया, 25 से कम 25, 25 × 100। अब यहाँ से हम फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 3 = 6, 2 से कटा देंगे, 2 × 2 = 4 हो गया। अब 6875 का हम 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 × 5 = 15 हासिल लगा 1, 3 × 5 = 3 × 5 = 15, 5, 3 × 7 = 21, 1 × 22 = 2 हासिल लगा 2, 3 × 8 = 24, 2 × 26 = 6 हासिल लगा 2, 3 × 6 = 18, 2 = 20, 20,625/2×4 हम यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4×5 = 20, 4×1 = 4, बचा 22, 4×5 = 20, बचा 2×25, 4×6 = 24, बचा 1×10, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि 5,156.25 रुपया यहाँ पर इसका क्या उतरेगा, साधारण ब्याज उसे उपापचित होगा। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से देखिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है और क्या दिया गया है। प्रश्न में कह रहे हैं कि 2500 रुपये पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1875 है, तो दर हमको नहीं दिया गया है पहली बार, तो हम सबसे पहले निकालेंगे मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है, दर को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दर बराबर हम फार्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना दिया है 1875 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, समय 6 रख करके हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 25/2% इसका क्या आ गया, दर आ गया। अब क्या कह रहे हैं आगे प्रश्न पे, इसी दर पर, यानी कि दर वही हमारा सेम होना चाहिए 25/2%, कह रहे हैं इसी इतने ही समय के लिए, यानी समय जो 6 वर्ष दिया गया है वही समय यहाँ भी रहेगा। कह रहा कि मूलधन हमारा जो है 6875 रुपया, अब यहाँ पर हमें नया मूलधन प्राप्त हुआ है, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे फार्मूला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
अब 25 से कम 25, 25 का 100, 2 से कटा देंगे 2, 2 नहीं 4, 2 3 है 6, 6875 का 3 में गुणा करेंगे 20625 आएगा और 2, 2 नहीं 4, हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5156.25 रुपये, ये इसको क्या होगा ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।